बड़ी खबर सिवान से है, जहां आज अचानक ताकीद संघ ने जिला निबंधन कार्यालय में हंगामा कर दिया और आरोप लगाया कि साहब अपनी मनमानी करते हैं और रजिस्ट्री के संबंध में कुछ पूछने पर कार्ड रद्द करवाने की धमकी भी देते हैं। देर शाम तक रजिस्ट्री का काम होता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले रजिस्ट्री होती थी, बाद में पैसा जमा होता था, लेकिन अब पहले पैसा जमा हो रहा है और बाद में रजिस्ट्री हो रही है। एटीएन लाइव के लिए सुमेश सिंह की रिपोर्ट। मामला ये है कि इनका यह पब्लिक पैलेस है और यहाँ पर कोई पान खाकर चला गया, गुटखा खाकर चला जाता है, उसको तो रोका नहीं जाएगा। एक बार एक दिन की बात है कि हाथ मार छोड़ दिए, पदाधिकारी हैं, वह यह पब्लिक पैलेस है, उसको समझाना चाहिए, हाथ चला दिए, डांट दिए। यह डांटने वाली जगह नहीं है, ये समझते हैं यहाँ के लोकल हैं, छपरा सिवान जिला से सटे इनका गाँव है और वहाँ का लोकल है, लोकल की वजह से इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार को भी इसमें रखे हैं। तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि सही ढंग से हो। पब्लिक पैलेस है, पब्लिक दो मिनट के लिए आती है, रजिस्ट्री की और चली गई, उससे क्या इन लोगों को है? था कि पहले जो रजिस्ट्री होती थी तो उसका फीस और स्टैम्प बाद में जमा होता था, और अभी जो रजिस्ट्री हो रही है वो पहले फीस जमा हो रहा है ना बैंक में, उसका चालान आता है तो इनके पास रजिस्ट्री होती है। तो कल एक कागज़ था जिसका रजिस्ट्री उन्होंने नहीं किया और कहा कि हम कल 11 बजे करेंगे, तो हम लोग 12 बजे गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम नेतागिरी नहीं सुनने देंगे, नेतागिरी नहीं चलने देंगे, हम नेतागिरी की बात ऊँची आवाज़ में कोई बात नहीं करेगा, हम नेतागिरी को ध्वस्त कर देंगे, है ना, सब डायरेक्टरों का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। हम लोग वही पूछने गए थे कि क्या आप कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को तो पावर नहीं था, इनको पावर कहाँ से आ गया, है ना, जो चीज़ कलेक्टर दिया हो इनको पावर कहाँ से आ गया, और कोई आपको बात पूछनी हो? यह तो आज उनसे हमसे पहली गुफ्तगु थी, है ना, वो कैसे चलेंगे, कैसे भी ऑफिस को चलाएंगे, जनता को तकलीफ ना हो, हम लोग जनता जनार्दन के तकलीफ को देखते हुए उनसे मिलने गए थे कि जो औरतें आती हैं बच्चे के साथ, 10 बजे रात तक रजिस्ट्री होती है, इतना ना प्रक्रिया बढ़ा दिए हैं कि उस प्रक्रिया को पार करते करते 7 बज जा रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग नहीं कुछ कर रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि साहब हमको सिस्टमेटिक ढंग से जो पब्लिक प्लेस है और 5 बजे तक रजिस्ट्री ख़त्म कर दिया जाए, हम तो यही मांग करते हैं। और क्या, हम उनसे समय पहले 10 बजे होता हो रहा है तो वही 5 बजे करते हैं। जी, समय 10 से 5 बजे तक काम खत्म हो जाना चाहिए, है ना, और सारे गांव के जी पेरिफेरल्स में जो गांव नहीं था उसको भी पेरिफेरल्स में डाल दिया गया है, 11 किलोमीटर जो शहर के नज़दीक है वो पेरिफेरल्स में हो सकता है कि जो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर हो वो भी पेरिफेरल्स में कैसे जाएगा, है ना, कुछ गांव को लिया जा सकता है, कुछ गांव को गलत लिया गया है। तो आप मिलने गए थे, क्या वहां से आश्वासन मिला? हमको उनसे एक पैसे का आश्वासन नहीं मिला कि इसमें हम सुधार कर पाएंगे, उनको ये मिला कि साहब हम ऑफिस चलाते हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, हम जो करेंगे वही होगा, हम लोगों को उनसे कोई किसी भी चीज़ का आश्वासन है ना अच्छे अंदाज में नहीं मिला।